नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हड्डी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ रूपा जी, बात करें अगर यहाँ से अब गोल्ड सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर में आपको क्या लगता है, ब्रेक रेंज लेवल्स हैं अभी भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, गोल्ड $1875 पर ट्रेड कर रहा है, सिल्वर भी $23 के आसपास देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में इन स्तर पर बिकवाली करना सही रहेगा क्या? देखिए, इन स्तरों पर अभी फिलहाल बिकवाली नहीं करनी चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट उतना अपसाइड नहीं हुआ है जितना हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसिंग आती हुई देखी है। डॉलर की वजह से हमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली है डोमेस्टिक मार्केट में। अदरवाइज अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स के प्राइस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर गोल्ड 50,000 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल 49,000 के घरों में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि तेजी में रहने वाला है मार्केट, कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, अगर गिरा भी तो नीचे में 48,000 की मैक्सिमम डाउनसाइड है और ऊपर में 50,000 है, तो फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर डॉलर में वीकनेस आती है तो थोड़ा बहुत और सपोर्ट आता हुआ हम इसके अंदर देख सकते हैं, तब जाकर बाजार जो है वो 50,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, करेक्शन में बाइंग की तरफ रहना चाहिए, इंट्राडे स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बाजार पॉजिटिव है। जी रूपा जी, बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कीमतें थोड़ी सी लुढ़की हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 पर है, WTI $93 पर, बहुत सारी एजेंसीज ने अनुमान भी लगाया है कि कच्चे तेल की जो कीमतें आने वाले समय में $100 के पार जा सकती हैं। इसी बीच IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का बयान निकल के सामने आया है कि 2022 और 2023 में कच्चे तेल की जो डिमांड है इतनी रहने वाली है जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, और इस प्रोडक्शन और डिमांड ज़्यादा रहने की वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो 60-70 की रेंज में रह सकती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है इस खबर का इम्पैक्ट कच्चे तेल के बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तो पहले जो कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है वो दरअसल जो ये डिस्प्यूट चल रहा है इसकी वजह से बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कच्चे तेल डबल आप कह सकते हो कि अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल पॉजिटिव न्यूज ये निकल कर आ रही है कि US और ईरान की न्यूक्लियर जो नेगोशिएशन है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते ग्लोबली हम देख सकते हैं कि ऑयल प्राइजेस थोड़ा सा करेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी देख रहे हैं कि इसी वजह से ही प्राइजेस में इतना ज्यादा अपसाइड आया है, और अभी ये इसमें अगर थोड़ा सा भी रिलीफ आता है तो प्राइसेस नीचे गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जहां तक पूरे ईयर की बात है 2021 और 2022 की, तो 2022 में एक बार हो सकता है कि क्रूड $100 का लेवल टच करता हुआ दिखाई दे WTI, लेकिन सस्टेनेबिलिटी आना मुश्किल है वहां पर। तो वहां से अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो जो सस्टेन होगा मार्केट वो $70 से लेकर $80 के बीच में फिलहाल सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आज के लिए टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? आज अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि आज सोना और चांदी थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकते हैं, उसमें बाइंग करके चला जा सकता है, सेम एज इट इज क्रूड में भी करेक्शन पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।